इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ सिमरन। चलिए देखते हैं इस खबर को। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलिया राव में मंगलवार सुबह हंगामा और विवाद खड़ा हो गया, जब शिकायत मिलने पर नगर निगम की रिमूवल टीम रीजनल पार्क के सामने स्थित राजरानी नगर पहुंची। दरअसल यहां पर कुछ क्षेत्रीय लोगों ने अवैध कॉलोनी विकसित करने के इरादे से करीब 400 मीटर क्षेत्र के कब्जे के लिए तार फेंसिंग करवा दी। अवैध कॉलोनी में अवैध तौर पर कब्जे के मामले को लेकर रहवासियों और कब्जाधारियों के बीच विवाद चल रहा था। मंगलवार को मिली शिकायत के आधार पर जब नगर निगम की अवैध अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने कार्रवाई शुरू की तो दो पक्षों में मौके पर गहमा गहमी हो गई। इधर जब पुलिस विवाद के बीच पहुंची तो लोग पुलिस से विवाद करने लगे, जिसके बाद मौके पर राजेंद्र नगर थाना प्रभारी अमृता सिंह सोलंकी ने मोर्चा संभाला और भीड़ को मौके से अपने ही अंदाज में हटाना शुरू किया। वहीं निगमायुक्त के निर्देश पर मौके पर पहुंचे अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह को कई लोगों द्वारा जमीन के कागज दिखाने की बात भी की, लेकिन निगम ने सभी को सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया और आखिर में भारी विवाद के बाद जेसीबी की सहायता से समूचे क्षेत्र को कब्जा मुक्त कराया गया। तो ये थे इस वक्त की अपडेट, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर।